देखो हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। अब आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नाभि की ऊर्जा के बारे में, यानी नाभि के जुड़ने से या नाभि के टूटने से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सबसे पहले तो आप लोग ये बताऊं कि ये जो मैंने दो टर्म लिखी है, नाभि की विखंडन और नाभि की संलग्न, दोनों के ही कारण बहुत अधिक असीमित ऊर्जा उत्पन्न होगी, मान लिया हमने। अब ये बताओ कि ये ऊर्जा का परंपरागत साधन है कि गैर परंपरागत? गैर परंपरागत साधन में आता है, क्योंकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की खोज क्यों हुई? क्योंकि जितने भी परंपरागत साधन हैं ऊर्जा स्रोत के, वो क्या है, सीमित मात्रा में है। एक न एक दिन हम लगातार उनका दोहन कर रहे हैं, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो पृथ्वी के ऊपर से क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए ऊर्जा की फिर पूर्ति कैसे संभव होगी, इसके लिए फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की खोज की गई। ठीक, अब यहाँ देखो लिखा मैंने नाभि की विखंडन और नाभि की संलग्न। अब पहले इसको शॉर्ट में समझो, जैसे ये कोई नाभिक है, ये किसी कारण से क्या होगा, विखंडित होगा, ये टूटा, वो टूटने से क्या होगा, दो हल्के नाभिक बने, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, नाभि की विखंडन। और इस क्रिया में क्या होगा, बहुत अधिक एनर्जी उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा को हम फिर काय में बदल लेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल लेंगे, तो हमारे ऊर्जा की आपूर्ति हो जाएगी। अभी बेसिक देख रहे हैं कि विखंडन मतलब नाभि क्या होगा, छोटे नाभिकों में टूटेगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी, और इस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल लेंगे या हमें जो भी कार्य करना होंगे। ठीक, अब इसी तरह नाभि की संलग्न में क्या होगा, दो नाभिक जुड़ेंगे, दो हल्के नाभिक रहेंगे या हल्के भी छोड़ो, सामान्य परिभाषा बात करें कि जब दो नाभिक आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा नाभिक बनाएंगे या एक नाभिक बनाएंगे, और इस क्रिया में क्या होगा, असीमित ऊर्जा उत्पन्न होगी। मतलब दोनों में ही क्या हो रहा है, चाहे नाभिक को तोड़ो चाहे दो नाभिकों को जोड़ो, दोनों ही क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा को हम अपने दैनिक उपयोगी या जो भी हमें कार्य करना है, फैक्ट्री टर्बाइन चलाना है, जो भी यूज करना हो इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ भी, इन दोनों से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और हमारे मानव उपयोगी कार्यों में ले सकते हैं। ये चीज समझ में आई। अब हम पहले आते हैं यहाँ पर कौन सा, नाभि की संलयन। ठीक, अब देखो हमने कल बात करी थी समस्थानिक की, कि जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। अब उन दोनों ही समस्थानिकों का यूज होगा वहाँ पे। हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या थे, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या हो गए। अब आप यहाँ पर देखो ये है 1H1 1+1H1, दो हाइड्रोजन ने आपस में क्रिया करी और क्रिया करके क्या बनाया, 1H2। ये क्या है, सभी ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, ये क्या बना, हाइड्रोजन का समस्थानिक ये बना। फिर यही ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम से क्रिया करेगा और क्रिया करके क्या बना देगा, 2H3O4 और असीमित ऊर्जा। ये है नाभि की, ये है नाभि की संलयन की समीकरण। मतलब संलयन में क्या हुआ,
हाइड्रोजन ने क्रिया करी और क्रिया करके क्या बना दिया, हीलियम बना दिया। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है? ये जो क्रिया है ये होती है सूर्य के क्रोड में, सूर्य के अंदर ये क्रिया हो रही है। इसीलिए देखो लिखा मैंने क्या, असीमित ऊर्जा। आप तो देखो कहाँ पर सूर्य है और कितने करोड़ों किलोमीटर दूर हम हैं, तो भी हम अभी 10 मिनट में बैठ जाए जिसमें क्या कहते हैं गर्मी लग रही है, और गर्मी के दिनों में तो कितनी तेज हीट रहती है, तो सोचो वहाँ पर कितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी। 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इस प्रोसेस के संपन्न होने के लिए। तो हम पृथ्वी के ऊपर नाभिकी संलयन की क्रिया को संपन्न नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हाँ इसके समान अभिक्रिया को हम संपन्न कर सकते हैं। वो का वो टेम्परेचर, वो का वो लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन संलयन मतलब जब दो हल्के नाभिक आपस में क्रिया करते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकी संलयन की प्रोसेस पृथ्वी के ऊपर असंभव है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हमने पृथ्वी के ऊपर दूसरी अभिक्रियाएँ संपन्न कराई है। समझ में आया, नाभिकी संलयन के ये है, हाइड्रोजन सूर्य के क्रोड में है, क्रिया करके ड्यूटीरियम बनाते हैं, ड्यूटीरियम क्रिया करके एक बड़ा नाभिक बना देते हैं हीलियम का, तो हाइड्रोजन से हीलियम का बनना यही कहलाता है नाभिकी संलयन। समझ में आया, अब नाभिकी संलयन पृथ्वी के ऊपर कराई जाती है सीमित मात्रा में। हम सेम टू सेम सोचे कि हम वो कराए तो सब खत्म हो जाएगा, पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अब इस नाभिकी संलयन की प्रोसेस का उपयोग करके पृथ्वी के ऊपर क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, जो एक देश दूसरे देश के ऊपर डालते हैं एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम नाकाब। हाँ, तो ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा इसके कारण उत्पन्न होगी और बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और जन धन हाँ विस्फोट होगा, और सभी की चाहे जानवर हो हम हो पेड़ पौधे हो सभी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब इसके बाद अगला देखना है हमको,